गुड मॉर्निंग बच्चों, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था पेज नंबर 197 रुपीज एंड पैसे के बारे में। यहाँ पर आपको है जो पिछला मैंने बताया है, 3 नोट्स बुक आपके 15 रुपीज के आएंगे, 2 पेंसिल 5 रुपीज के एंड 2 इरेजर 2 रुपीज के, तो इक्वल टू हो जाएंगे 22 रुपीज। तो 30 रुपीज में से 22 रुपीज आपका स्पेंड हो जाएगा और आपके हैंड में रह जाएंगे 8 रुपीज। नाउ द प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स वॉन्टेड टू बाई अ क्रिकेट एंड बॉल। 3 फ्रेंड्स है वो एक क्रिकेट बैट एंड बॉल क्रिकेट के लिए खरीदना चाहते हैं। बीना हैड 48 रुपीज 50 पैसे। बीना के पास 48 रुपीज 50 पैसे है। रमन के पास 55 रुपीज प्लस 50 पैसे है एंड वेनू के पास 38 रुपीज है। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल, इन सबके पास कितने पैसे हैं तो आपको बताना है कितने रुपए और पैसे हैं। तो यहाँ पे 48 50 पैसे, 55 प्लस 50 पैसे, 38 रुपीज़। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 000 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 1 हैंड में आ जाएगा और ये आपका टोटल कास्ट आ जाएगा 88 आपका हो जाएगा 16 और 521 और यहाँ पे आपका एक कैरी था तो ये आ जाएगा आपको 22 कैरी। तो 2 2 4 6 6 5 11 11 and 3 14। तो आंसर आ जाएगा दे है 142 रुपीज। ये तीनों के पास मिला करके आप दे है 142 रुपीज। बी इज हरी बुक्ड अ रेलवे टिकट फॉर रेट 62.50 पैसे। ही गेव अ 100 रुपीज नोट। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट। हरी के पास 100 रुपीज है और उसमें से उसने 62 रुपीज एंड 50 पैसे का टिकट लिया तो उधर से उसको कितना पैसा मिला, तो इसको आपको माइनस करना है। 100 में से 62 रुपीज एंड 50 पैसे माइनस करेंगे तो हरी के पास बच जाएगा 37.50 पैसे। हरी गॉट 37 रुपीज 50 पैसे बैक विद द टिकट। ओके नाउ सी इज गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग। गीता और उसके दोस्त शॉपिंग करने गए। शी बॉट थिंग्स फॉर रेट 38, 37 and 22। उन्होंने इतने सामान खरीदे 58 रुपीज का, 37 रुपीज का और 22 रुपीज का। गीता हैड 100 रुपीज नोट। गीता के पास 100 रुपए की नोट है। हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड टू पे द बिल। तो आप इसको काउंट करेंगे 58, 37 and 22 तो टोटल मिला के आ जाएगा 117 रुपीज। और उसके पास 100 रुपीज है तो उसने कितना बोरो किया, मतलब कितना उधार लिया। तो देखिए 117 में 100 को माइनस कर दीजिएगा तो 17 रुपीज। तो गीता ने लिया 17 रुपीज। तो शी बोरो 17 रुपीज फ्रॉम हर फ्रेंड।